फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज आपको हम बताएंगे 5 KVA 90 वोल्ट टू 290 वोल्ट टोरॉइडल स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर का डाटा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी आउटर रहेगी 20 सेंटीमीटर रहेगा, इनर जो रहेगा 10 सेंटीमीटर रहेगा, और इसकी जो हाइट रहेगी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये 7.5 सेंटीमीटर रहेगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉमन होता है, यहाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लूप के लिए 135 वोल्ट के लिए हम लोग जो कि 148 टर्न लिफ्टेंगे, 60 मीटर आपको वायर लेना पड़ेगा टोटल। और यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड लूप के लिए यहाँ पे 200 वोल्ट के लिए, यानी कि 135 वोल्ट में और 200 वोल्ट में आपको 65 वोल्ट का डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे जो है कि 65 वोल्ट के लिए आपको 71 टर्न लिपेटने पड़ेंगे और 32 मीटर आपको वायर लेना पड़ेगा, ठीक है, कॉपर वायर। और दोस्तों सभी कॉपर जो वायर रहेगा इसमें 13 नंबर के वायर को लपेटना है, कॉपर वायर जो लपेटना है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो कि आपका कॉपर वायर रहेगा वो 13 नंबर का वायर रहेगा। और थर्ड लूप जो निकालेंगे, थर्ड लूप आप 240 वोल्ट के लिए आपका जो कि इसमें 200 से 240 के बीच में आपका 40 वोल्ट का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे जो है 44 टर्न आपको लपेटने होंगे और 20 मीटर वायर आपको लेना पड़ेगा। चौथा लूप जो रहेगा 280 वोल्ट के लिए, यहाँ पे 40 वोल्ट का डिफरेंस होगा, यहाँ पे भी 44 टर्न रहेगा, 21 मीटर आपको वायर लेने पड़ेंगे। और यहाँ पे पांचवा लूप देख सकते हैं, पांचवा लूप में 290 वोल्ट के लिए यहाँ पे 10 वोल्ट का डिफरेंस है दोनों में, तो यहाँ 10 वोल्ट का डिफरेंस है तो यहाँ पे आपको 11 टर्न लपेटने पड़ेंगे और आपको 5 मीटर वायर लेना पड़ेगा। अब दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं किट के लिए आपको जो कि 12 वोल्ट के लिए 12 टर्न लपेटने होंगे, 18 वोल्ट के लिए यानी कि इसमें और 6 टर्न प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 2.5 मीटर आपको वायर लेने पड़ेंगे। और फिर आपको जो कि 6 वोल्ट और प्लस करेंगे तो 22 वोल्ट हो जाएगा, तो 22 वोल्ट के लिए देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप 18 वोल्ट, फिर आपको 22 वोल्ट के लिए यहाँ पे 6 टर्न लपेटने पड़ेंगे, 2.5 मीटर आपको वायर लेना पड़ेगा। और ये टोटल वायर जो रहेगा 23 नंबर का वायर रहेगा, 23 HWG रहेगा। तो इस हिसाब से आप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करके आप जो कि स्टेबलाइजर बना सकते हैं, जो कि टोरॉइडल ट्रांसफार्मर रहेगा, राउंड वाला ट्रांसफार्मर जो मिलता है मार्केट में, आप इजीली इस पर लपेट करके ये बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें टोटल आपका जो कि 5 लूप रहेंगे। दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए।